चावल अगर बच जाते हैं तो उसे फेंकिएगा मत, उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इजी स्टेप्स के साथ। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बचे हुए चावल से आप फ्राइड राइस घर पर आसानी से बना सकते हैं बिना किसी देरी के। चलिए बनाते हैं फ्राइड राइस। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं या फिर बटर। फ्लेम को लो रखना है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ अनियन 2 टेबलस्पून के करीब, बारीक चॉप करना है जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और 2 टेबलस्पून के करीब कैप्सिकम, जो मनचाही वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 टेबलस्पून बीन्स, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कैरेट, 2 टेबलस्पून कैबेज, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। इन सबको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर इन वेजिटेबल्स को अच्छे से पकाएंगे। पकाना ऐसा है कि सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं, बस ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसके अंदर थोड़ा सा कुरकुरापन रहे, जो कि फ्राइड राइस में बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए ढक दिया है। अब 1-2 मिनट बाद लेड हटा के देखेंगे, आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज हो गया, हल्की सी लाइट हो गई है, सारी वेजिटेबल्स पक गई हैं अच्छे से। थोड़ी सी देर और पका लेंगे लो फ्लेम पर, यानी कि 1 मिनट के करीब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी और रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। ऐसी कोई और वेजिटेबल है जो फ्राइड राइस में डल सकती है, उसका टेस्ट अच्छा कर सकती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। वेजिटेबल्स बढ़िया से सॉटे हो गई हैं, अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप बॉयल्ड राइस, जो कि ये बचे हुए थे मेरे पास। साथ ही साथ इसमें फ्लेवर के लिए मसाले ऐड कर लेते हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून विनेगर, 1/4 टीस्पून सोया सॉस। बढ़िया से सॉटे कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। जो हर चीज़ में तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए एक और तरकीब है, वो चॉप की हुई ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है फ्राइड राइस में। 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको सॉटे करेंगे और हल्के हाथ से करिएगा ताकि जो चावल है वो टूटे ना। तो आपके घर में कभी भी चावल बच जाए तो उसे फेंकिएगा मत, उसे ट्रांसफॉर्म कीजिएगा फ्राइड राइस में और सर्व कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप अपने उबले हुए चावल से फ्राइड राइस बना सकते हैं, है ना बढ़िया तरकीब। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आते हैं ये फ्राइड राइस, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। मैं लौटूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया टेस्टी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।